Hello and welcome everybody. In today's lecture, we'll be learning about unions and subqueries in SQL, and I am your instructor, Divya Thakur. Union and union all statements. Union operator jo hota hai, it combines the result set of two or more select statements. So jaise select column name from table 1, union select column name from table 2. सो इन दोनों रिजल्ट सेट्स को यूनियन कंबाइन कर देता है बट देर आर सम कंडीशंस. पहली है एवरी सिलेक्ट स्टेटमेंट विथ यूनियन. सो इट मीन्स दैट दीज टू टेबल्स, सपोज टेबल 1 एंड टेबल 2, शुड हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, लाइक इफ टेबल 1 हैज 3, देन टेबल 2 शुड ऑल्सो हैव 3. द कॉलम्स मस्ट ऑल्सो हैव सिमिलर डेटा टाइप्स. तो जैसे दो टेबल्स हैं हमारे पास, टेबल 1 एंड टेबल 2, एंड उन दोनों में ही 3 कॉलम्स हैं. सो इफ टेबल 1 हैज 2 न्यूमेरिक टेबल्स, 1 कैरेक्टर कॉलम, सो टेबल 2 में भी 2 न्यूमेरिक कॉलम्स होने चाहिए एंड 1 कैरेक्टर कॉलम. द कॉलम्स इन एवरी सिलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो बी इन द सेम ऑर्डर, एंड सेम ऑर्डर होना चाहिए इनका. यानी इफ 2 न्यूमेरिक कॉलम्स हैं टेबल 1 में, देन एक टेक्स्ट वाला है, कैरेक्टर वाला है कॉलम, सो टेबल 2 में भी यही प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, तभी ये यूनियन जो हमारा ऑपरेटर है वो वर्क करता है. नाउ दिस यूनियन ऑपरेटर सिलेक्ट्स ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज बाय डिफॉल्ट. सो यूनियन जो करेगा इन दोनों स्टेटमेंट्स का, सो अगर यहाँ पे कोई डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो वो उसे डिस्कार्ड कर देगा, सिर्फ यूनिक वैल्यूज लेगा. टू अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज यूज यूनियन ऑल. यानी अगर इन दोनों में कोई कॉमन वैल्यूज हैं और वो डिस्कार्ड हो रही हैं, तो यूनियन ऑल जब आप यूज़ करेंगे तो वो डिस्कार्ड नहीं होंगी, वो डुप्लीकेट वैल्यूज भी आपको शो हो जाएंगी. सो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. नाउ इन आवर SQL सर्वर लेट्स लर्न अबाउट यूनियन एंड यूनियन ऑल. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर्टिस्ट की टेबल है. इसमें कॉलम्स हैं आर्टिस्ट आईडी एंड नेम, एंड यहाँ पे ये जॉनर्स की टेबल है. सो इसके कॉलम्स में देखते हैं, इट हैज़ जॉनर आईडी एंड नेम. सो दोनों ही आईडीज जो हैं न्यूमेरिक हैं, इंट में आप देख सकते हो, एंड नेम जो है वो एन वार चार में है. सो द नंबर ऑफ कॉलम्स इज ऑल्सो द सेम, एंड द नंबर ऑफ जो डेटा टाइप है इन कॉलम्स का वो भी सेम है. सो नाउ आई एम जस्ट गोना सिलेक्ट दिस. सो हम यहाँ क्वेरी लिख लेते हैं, आई एम सिलेक्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम दिस आर्टिस्ट टेबल. यूनियन करवा रही हूँ मैं इसका. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉनर टेबल. नाउ यहाँ पे स्टार की जगह मैं लिख सकती हूँ आर्टिस्ट आईडी, एलियस दे सकती हूँ उसे एज आईडी एंड नेम. यहाँ से भी मैं जॉनर आईडी एज आईडी कॉमा नेम, एंड लेट्स एग्जीक्यूट दिस. सो आप देख रहे हैं यहाँ पे एसीडीसी जो है वो तो आर्टिस्ट नेम है, बट ये जो रॉक है ये जॉनर नेम है, एंड दोनों में ही आईडीज आई हैं 1 1. उसी तरीके से 2 आईडी पे आया है एक्सेप्ट विच इज़ द आर्टिस्ट नेम, एंड 2 पे आया है जैज विच इज़ द जॉनर नेम. अगर मैं इसे अलग कर दूँ, लाइक जॉनर्स की टेबल का पहले ले लेते हैं एंड लास्ट में आर्टिस्ट की टेबल ले लेते हैं. सो ये उसी ऑर्डर में इन्हें यूनियन करा रहे हैं इनका. सो आईडीज एंड नेम्स सिर्फ 2 ही कॉलम्स हैं मेरे पास, पर इनके जो रोज थे वो आपस में यूनिफाइड हो गए हैं. सो एज यू कैन सी नाउ यहाँ पे इस तरीके से हमें रिजल्ट मिल रहा है. सो मैं इसका यूनियन एक और टेबल के साथ भी करा सकती हूँ. सो लेट मी गो टू माई मीडिया टाइप टेबल यहाँ पे. सो एज यू कैन सी इसके पास भी मीडिया टाइप आईडी है एंड नेम है. सो आई कैन जस्ट डू अ क्विक यूनियन विथ अगेन
मीडिया टाइप आईडी एंड नेम और यहाँ से ले लेते हैं फ्रॉम मीडिया टाइप टेबल, एग्जीक्यूट कराते हैं इस क्वेरी को. सो नाउ यू कैन सी 111 तीन बार आया है. सो इट हैज़ एमपीजी ऑडियो फाइल ऑल्सो यहाँ पे प्रोटेक्टेड एएसी ऑडियो फाइल विच आर दी कॉन्टेंट्स ऑफ दिस मीडिया टाइप टेबल प्रोटेक्टेड एमपीजी परचेस्ड एएसी एंड एएसी ऑडियो फाइल फाइनली. और अब ये 4455 जो है तीन तीन बार रिपीट हो रहा था, अब सिर्फ दो बार रिपीट हो रहा है. सो नाउ इट हैज़ ओनली जॉनर एंड आर्टिस्ट के यहाँ पे नाम, बिकॉज मीडिया टाइप टेबल 5 तक ही है. सो इट हैज़ एग्जॉस्टेड. उसी तरीके से हम डिराइव्ड भी कर सकते हैं टेबल्स. सो आई कुड हैव, मैं यहाँ से ले लेती हूँ सपोज, लेट मी जस्ट क्लोज दिस अप. अब जिन दो टेबल्स पे मैं काम करूँगी इज दिस कस्टमर टेबल हमारी, जिसमें है कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, पोस्टल कोड, फ़ोन, फैक्स, ईमेल. एंड ये हमारी एम्प्लॉई की टेबल, जिसमें भी है एम्प्लॉई आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल, रिपोर्ट्स टू, बर्थ डेट, हायर डेट, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, पोस्टल कोड, फ़ोन, फैक्स, ईमेल. सो कुछ कुछ कॉलम्स इन दोनों में कॉमन है. सो लेट मी जस्ट राइट अनदर स्क्रिप्ट. सो नाउ आई कैन डू वॉट, आई कैन डू सिलेक्ट जैसे फर्स्ट नेम. यहाँ पहले कॉलम लिख देती हूँ तो वो अपने आप ही मुझे इंटेलिजेंस करके फर्स्ट नेम. Then I want last name. I also want the city, state, country, phone, fax, email. From this customer से भी मुझे चाहिए. And इसे union all करा देते हैं with the same statement. कि आप देख रहे हो यहाँ पे भी वही सेम नेम्स है, सेम कॉलम नेम्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन सिटी, स्टेट, कंट्री, फोन, फैक्स, ईमेल. सो सेम है. सो फ्रॉम दिस एम्प्लॉय टेबल एंड इसे एग्जीक्यूट करते हैं. सो एज यू कैन सी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी कस्टमर की टेबल से आ गए. एंड अगर आप यहाँ नीचे देखोगे सो ये सारे थे हमारे एम्प्लॉयज़ जो यहाँ नीचे यूनियन में आ गए. सो देखने के लिए जस्ट लेट मी यूज़ यहाँ से कस्टमर आईडी एज आईडी और यहाँ से ले लेते हैं एम्प्लॉई आईडी एज आईडी एंड अब एग्जीक्यूट करते हैं. सो यू कैन सी 1 2 3 4 यहाँ चल रहा है. एंड अगर हम नीचे आए तो यहाँ से 1 वापस रिपीट हो रहा है. सो दीज आर माई एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय की टेबल यहाँ पे यूनियन में है, यूनिफाइड हो गई. एंड कस्टमर्स की टेबल ऊपर ऊपर है. सो दिस इज़ हाउ यूनियन एंड यूनियन ऑल वर्क. नाउ लेट्स सी सब क्वेरीज. सब क्वेरी क्या होती है? सब क्वेरी को बोला जाता है नेस्टेड क्वेरी या इनर क्वेरी, बिकॉज़ ये क्वेरी जो है वो सीक्वल की सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ की जाती है. ये भी सिलेक्ट स्टेटमेंट से ही स्टार्ट होती है. सो व्हेन रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस यू मे फाइंड इट नेसेसरी टू इंक्लूड अ सब क्वेरी इनटू द सिलेक्ट स्टेटमेंट, फ्रॉम स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट या वेयर क्लॉज. सो जहाँ जहाँ इस सब क्वेरी का यूज़ होता है अकॉर्डिंगली सीक्वल सब क्वेरीज के 3 टाइप्स हैं. सो स्केलर सब क्वेरी जो है वो मोस्टली वेयर में यूज होती है. इट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू और एग्जैक्टली 1 रो एंड 1 कॉलम.
मल्टी रो सब क्वेरीज जो होती हैं वो वेयर में भी यूज हो सकती हैं, फ्रॉम में भी यूज हो सकती हैं, जॉइन में भी यूज हो सकती हैं. सो दे रिटर्न आइदर वन कॉलम विथ मल्टीपल रोज, दैट इज अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, और मल्टीपल कॉलम्स विथ मल्टीपल रोज, दैट इज पूरी या तो टेबल बन जाएगी आपकी कॉलम एंड रो की. सो आइदर देर विल जस्ट बी वन कॉलम विथ मल्टीपल रोज और लाइक मल्टीपल कॉलम्स एंड मल्टीपल रोज. देन होती है कोरिलेटेड सब क्वेरीज, ये मोस्टली फ्रॉम एंड सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज होती है. सो वेयर द इनर क्वेरी रिलाइज ऑन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर क्वेरी. सो आउटर क्वेरी अपने आप में इंडिविजुअली को रिजल्ट ही नहीं दे सकती बिकॉज उसका रिजल्ट इनर क्वेरी पे डिपेंडेंट होता है. हम इन तीनों सब क्वेरीज के बारे में एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं. Now, let's see an example of scalar subquery. So, मेरे पास ये Northwind वाला डेटाबेस है, which has these category, customer, customer demo, customer demographic, employee, employee territory, and so on. सारी टेबल्स हैं. So, आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस एम्प्लॉई टेबल, which has this ID, last name, first name, title. So, एक बार ये देख लेते हैं. So, आई एम जस्ट डूइंग अ न्यू क्वेरी. रन क्वेरी एंड ये एम्प्लॉयज़ के लास्ट नेम्स हैं, फर्स्ट नेम्स हैं, उनके टाइटल्स हैं लाइक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इनसाइड सेल्स कोऑर्डिनेटर एंड सो ऑन. टाइटल ऑफ कर्सी मिस्टर मिस डॉक्टर एंड सो ऑन. बर्थ डेट्स हैं यहाँ पे, हायर डेट हैं एंड एड्रेस है, सिटी, रीजन, पोस्टल कोड, कंट्री, होम फोन, एक्सटेंशन, फोटो एंड फाइनली नोट्स हैं. सो दिस कॉलम इज नोट्स. सो अगर मुझे जानना है कि ओल्डेस्ट एम्प्लॉई कौन सा है यहाँ से, सो लेट मी राइट अ क्वेरी फॉर दैट. ओल्डेस्ट एम्प्लॉय में आ जाएगा मैक्स, बर्थ डेट, एंड यू कैन राइट फ्रॉम एम्प्लॉई टेबल. ओके एंड देन आई कैन रन दिस सिलेक्टेड क्वेरी. सो ये उसकी बर्थ डेट आ गई. बट वॉट इफ आई कैन राइट दिस ऑल्सो, सिलेक्ट आई डी. सो द आई डी इज कैपिटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ऑफ कोर्स द बर्थ डेट. और हम फ्रॉम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम एम्प्लॉई. एंड फाइनली आई कैन डू ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय बर्थ डेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड लिमिट वन. इससे भी ओल्डेस्ट एम्प्लॉय का आपको पता चल जाएगा. सो लेट मी जस्ट शो यू. आई डी आगे 9, फर्स्ट नेम इज एने, लास्ट नेम इज डॉट्सवर्थ एंड बर्थ डेट इज अगेन 1990. ओके सो दिस इज द यंगेस्ट एम्प्लॉय, आई एम सॉरी अबाउट दैट. सो यहाँ से उसकी बर्थ डेट आ गई. ठीक है. सो वॉट डू वी हैव टू डू नेक्स्ट इज, हमें जाना है हमारी ऑर्डर की टेबल पे. सो एज यू कैन सी ऑर्डर्स टेबल, यहाँ पे भी एक कस्टमर आईडी है विच इज़ द फॉरेन की ओवर हियर, एम्प्लॉई आईडी है विच इज़ द फॉरेन की ओवर हियर. सो हमारे में आईडी और यहाँ से एम्प्लॉय आईडी दोनों कनेक्टेड हैं, प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप. सो एज यू कैन सी यहाँ पे है ऑर्डर डेट, रिक्वायर्ड डेट, शिप्ड डेट, शिप वाया फ्राइट, शिप नेम, शिप एड्रेस, शिप सिटी एंड सो ऑन. सो अगर मुझे यहाँ से ऑर्डर्स की टेबल एक बार देख लेते हैं. सो मुझे जानना है कि जो एम्प्लॉय आईडी है उसके थ्रू मुझे जानना है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो ऑर्डर्स आए हैं, दीज ऑर्डर्स, वो कौन से एम्प्लॉई ने जनरेट किए हैं, कौन से एम्प्लॉई ने सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स जनरेट किए हैं, या मेरे यंगेस्ट एम्प्लॉई ने कितने ऑर्डर्स जनरेट किए हैं. सो जो अभी हमने क्वेरी लिखी थी, दिस वन, ये वाली, कि यंगेस्ट एम्प्लॉई कौन है, सो इस पे आई कैन रन अनादर क्वेरी. सो आई कैन से सिलेक्ट, काउंट में लगा सकती हूँ. ओके यहाँ पे पहले हम इसे ज्वाइन कर देते हैं विद दिस ऑर्डर की टेबल से
and this is how to do it. So हम यहाँ पे order use करेंगे. So यहाँ मेरा select statement from यहाँ से order चाहिए हमको. So this data has like orders की table कुछ ऐसे यहाँ पे mention है. I'm just copying it and pasting it over here. So हमें order की table से क्या चाहिए, count चाहिए कि सबसे कितने orders generate हुए हैं youngest employee के through. So I can say where the employee ID. अगर आप normally निकालने जाते तो आपको joins वगैरह use करने पड़ते, but ये simply sub query से हो जाएगा. So I can write over here. अब यहाँ पे मैं इन पैरेंथिसिस में, हमेशा सब क्वेरी पैरेंथिसिस में जाती है, ब्रैकेट्स में जाती है. सो आई कैन कॉपी दिस एंड पेस्टेड ओवर हियर. बट यहाँ से मैं क्या करूँगी, बिकॉज एम्प्लॉय आईडी को हम इक्वल्स टू करा रहे हैं, सो आई एम जस्ट रिमूविंग दिस फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड बर्थ डेट. सिर्फ मैं यहाँ आई डी रिजल्ट, क्योंकि वो एक स्केलर रिजल्ट आ रहा है, सिर्फ वन रिजल्ट आ रहा है. यहाँ पे भी आप देख लीजिए, अगर मैंने यहाँ पे इसे हटा दिया एंड सिर्फ आई डी रहने दी, तो यहाँ पे यंगेस्ट एम्प्लॉय की आई डी आ जाएगी. सो ये स्केलर रिजल्ट है, जस्ट वन वन रो वन कॉलम वाला रिजल्ट. सो यहाँ आई एम सेइंग वेयर एम्प्लॉय आई डी इज दिस, क्योंकि सब क्वेरी में थोड़ी इंडेंटिंग मैटर रखती है ताकि पता चले कि वो सब क्वेरी है. सो आई एम इंडेंटिंग इट, इसे सिलेक्ट के साथ रख देते हैं, इस फ्रॉम स्टेटमेंट को भी एंड इस लिमिट वाले स्टेटमेंट को भी. सो ये वेयर के साथ आया है. सो अब हम इसे रन करके देखते हैं. सो इस यंगेस्ट एम्प्लॉय ने 43 ऑर्डर्स जनरेट किए हैं. उसी तरीके से आई कैन नो कि हु इज़ माई ओल्डेस्ट एम्प्लॉय बाई यूजिंग मिन. सो ये मैं क्वेरी रन करती हूँ, रन दी सिलेक्टेड क्वेरी. सो इट्स 1969, द ईयर इज 1969, और वही चीज़ मैं इसके थ्रू लेके आ सकती हूँ. सो यहाँ मैं बर्थ डेट लिख देती हूँ एंड व्हेन आई एम रनिंग दिस, सो यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है 1969. अब मैंने डी ई एस सी हटा दिया, बाय डिफॉल्ट इट्स ए एस सी असेंडिंग ऑर्डर में. सो 1969 पहले आ रहा है. सो आई एम जस्ट गोना कॉपी दिस ओवर हियर, या फिर हम यहाँ पे भी वही कर सकते हैं, डी ई एस सी हटा देते हैं यहाँ से और देखते हैं कि हमारे ओल्डेस्ट एम्प्लॉयज़ ने एम्प्लॉई ने कितने ऑर्डर्स जनरेट किए हैं. सो 156, 43 बाय द यंगेस्ट एंड 156 बाय द ओल्डेस्ट एम्प्लॉय ऑर्डर्स जनरेट हुए हैं. सो आप बिना जॉइन के भी सिंपल एक सब क्वेरी से आंसर लेके आ सकते हैं. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल मल्टी रो सब क्वेरी का. So let me just close this up. So multi-row subquery mein I have used these two, order detail and orders wali table. सो ये हमारी ऑर्डर टेबल है और ये ऑर्डर डिटेल वाली टेबल है. सो अगर मुझे जानना है यहाँ से कि फ्राइट जो है, यहाँ से जो फ्राइट जनरेट हुई है वो सबसे ज़्यादा, ओके लेट मी शो यू. सो रन दिस क्वेरी. सो यहाँ इस टेबल में एज यू कैन सी कि यहाँ फ्राइट जनरेट हुई है, यानी कि जो ऑर्डर्स हैं उन्हें बाय शिप भेजा गया है, शिपिंग हुई है उनकी. सो यहाँ से फ्राइट उनकी कॉस्ट जो है वो जनरेट हुई है. सो इफ आई एम सिलेक्टिंग फ्राइट
Okay, from this table, which is this one, order such that where right हमारी is greater than 200. So let me just run this. So ये तो काफी सारे results हैं 200 से ऊपर. And ये देखते हैं. सो यहाँ पे है वैल्यू 657, 830 एंड सो ऑन. सो मैं देख लेती हूँ ऐसे कोई फ्राइट है जो 1000 से बड़ा है. सो लेट मी जस्ट रन दिस. एंड यस देयर इज वन विच इज, इसकी आईडी देख लेते हैं. सो इसकी ऑर्डर आईडी है इसकी ऑर्डर आईडी है 10540. सो नाउ अगर मुझे इसी ऑर्डर आईडी पे, इसी ऑर्डर आईडी को यूज़ करना है जिसमें फ्राइट इज़ मोर देन 1000, और उसकी यहाँ से सारी ऑर्डर डिटेल्स चाहिए, यानी कि उसकी यूनिट प्राइस चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए. सो आई कैन डू व्हाट, आई कैन यहाँ से मैं यूज़ कर सकती हूँ जैसे आईडी, आई कैन यूज़ यूनिट प्राइस, ओके, एंड मुझे चाहिए क्वांटिटी, एंड मुझे डिस्काउंट भी देखना है. फ्रॉम दिस टेबल विच इज़ ऑर्डर डिटेल वेयर ऑर्डर आईडी इक्वल्स टू, ये जो ऑर्डर आईडी है दिस शुड बी इक्वल टू जो अभी हमने आईडी निकाली थी. सो दिस इज सिंपल सब क्वेरी. एंड दिस वेयर क्लॉज, सो अभी हमने देखा था कि यहाँ से हमें ऑर्डर आईडी मिल गई थी विच वॉज 10540. सो वी आर यूजिंग दैट ओवर हियर. एंड इसे रन करते हैं. सो एज यू कैन सी आईडी भी आ गई 10540/3/26/38/68. यहाँ से ये चार मैचिंग हैं. एंड यूनिट प्राइजेस आ गए करस्पॉन्डिंग, क्वांटिटी आ गई, डिस्काउंट आ गया. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी रो सब क्वेरी. एंड अगर मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ मुझे क्वांटिटी चाहिए होती, मुझे देखना है. सो दिस अगेन वुड हैव बीन एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी रो सब क्वेरी, मतलब हमें एक कॉलम एंड मल्टीपल रोज मिल रहे हैं. ओके आई लेफ्ट दिस कॉमा. सो आई हैव वन कॉलम एंड मल्टीपल रोज, और आई कैन हैव मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स. सो दिस इज अ मल्टी रो सब क्वेरी. सो अब आगे बढ़ते हैं ऑन अ को रिलेटेड सब क्वेरी. सो यहाँ पे मेरे पास ये चिनुक डीबी है जिसमें अगेन आई हैव दीज टेबल्स विच आर एल्बम्स, आर्टिस्ट्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, जॉनर्स, इनवॉइस आइटम्स, एज यू कैन सी इनवॉइसेस, मीडिया टाइप्स, प्लेलिस्ट ट्रैक, प्लेलिस्ट एंड ट्रैक्स. सो यहाँ पे व्हाट आई कैन डू इज, मैं आपको शो करती हूँ एक और मल्टी सब क्वेरी. सो मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए. मुझे जानना है ट्रैक्स इन ईच प्लेलिस्ट. सो हमारे पास ट्रैक्स हैं एंड हर ट्रैक किसी ना किसी प्लेलिस्ट में को बिलोंग करता है. सो ट्रैक्स इन ईच प्लेलिस्ट दैट हैव लेंथ ऑफ मोर देन द एवरेज टाइम इन मिली सेकेंड्स. सो यहाँ मिली सेकेंड्स में हर ट्रैक का जो है मिली सेकेंड्स मैंशन है. अब हमें चाहिए एवरेज मिली सेकेंड्स कितने हैं सारे ट्रैक्स के, और वो सारे ट्रैक्स चाहिए जो उन एवरेज मिली सेकेंड से ज़्यादा के हैं, एंड वो कौन कौन सी प्लेलिस्ट में बिलोंग करते हैं. सो ऐसे म्यूज़िक वाला निकल के आया कि म्यूज़िक वाली ऐसी प्लेलिस्ट है जिसमें मोस्टली जो ट्रैक्स हैं वो एवरेज मिली सेकेंड से, जो ये सारे ट्रैक्स का एवरेज है उस एवरेज टाइम से ज़्यादा के हैं.
फिर टीवी शोज जो हैं वो भी एवरेज टाइम से ज़्यादा के हैं. 90s के जो म्यूज़िक हैं वो भी एवरेज टाइम जो यहाँ से निकल के है उससे ज़्यादा के ट्रैक्स हैं. बाकी क्लासिकल, क्लासिकल 101, दिस वन, नेक्स्ट स्टेप्स, द बेसिक्स, हैवी मेटल, क्लासिक, ये सब जो प्लेलिस्ट हैं इनमें जो ट्रैक्स हैं दे आर लेस देन दिस एवरेज टाइम. सो एज यू कैन सी इनसाइट ये निकला, म्यूजिक हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्स एंड ये सारे हैव द लीस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्स विच प्ले फॉर मोर देन एवरेज टाइम. सो इस क्वेरी के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, वी हैव दिस, हमको इसे फ्रॉम में रखना है, या फिर या तो ये क्वेरी हो सकती है जो सेम रिजल्ट, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये दोनों सेम रिजल्ट दे रही हैं. सो आई एम जस्ट रनिंग बोथ द क्वेरीज. सो एज यू कैन सी सेम टेबल आ रही है, 123 90s म्यूजिक यहाँ पे भी, 14 क्लासिकल, 2 क्लासिकल 101, डीप कट्स एंड सो ऑन, सेम रिजल्ट्स हैं एंड दोनों क्वेरीज के. सो अब मैंने यहाँ पे जॉइंट्स यूज़ किए बिकॉज मुझे ट्रैक्स और प्लेलिस्ट दोनों चाहिए. सो लेट मी जस्ट मिनिमाइज दिस. मैं जॉनर्स और इनको मिनिमाइज कर देती हूँ, देन वी आर मूविंग. सो हम मुझे चाहिए ट्रैक्स की टेबल और प्लेलिस्ट की टेबल पे मुझे काम करना है, राइट? बट नाउ इसके पास है प्लेलिस्ट आईडी व्हिच इज़ इट्स प्राइमरी की, और वो एज अ फॉरेन की ट्रैक्स की टेबल के पास नहीं है. सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस टेबल व्हिच इज़ प्लेलिस्ट ट्रैक, जिसके पास दोनों ही फॉरेन कीज़ हैं. प्लेलिस्ट आईडी है भी है यहाँ से, जो इसकी प्राइमरी की है वो एज अ फॉरेन की है यहाँ. ट्रैक आईडी भी है जो इसकी प्राइमरी की है ट्रैक्स की टेबल की, एज अ फॉरेन की यहाँ. सो फर्स्ट आई जॉइंड दिस ट्रैक्स की टेबल, ट्रैक्स टी. सो आप एज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ट्रैक्स एज टी, या फिर इसे स्किप करके सिर्फ ट्रैक्स टी भी लिख सकते हैं. सो एज लिखना या नहीं लिखना आपके ऊपर डिपेंड करता है. नाउ आई हैव जॉइंड प्लेलिस्ट ट्रैक की टेबल, ये वाली विच आई हैव एलियस्ड एज पी टी, एंड ये कंडीशन है ऑन टी डॉट ट्रैक आई डी विच इज़ दिस वन इक्वल्स टू प्लेलिस्ट डॉट ट्रैक आई डी यहाँ से. नाउ फिर से मैंने ज्वाइन किया इसे प्लेलिस्ट की टेबल से, एंड आई हैव गिवन दिस ऑन पी डॉट प्लेलिस्ट आई डी इक्वल्स टू पी टी डॉट प्लेलिस्ट आई डी. सो हम तीनों टेबल्स को हम ज्वाइन कर चुके हैं, इन्हों ज्वाइन किया है मैंने यहाँ. नाउ मुझे ये टी डॉट मिली सेकेंड्स जो है, सो मैं ये क्वेरी आपको पहले दिखा देती हूँ. आई एम जस्ट डूइंग सिलेक्ट एवरेज मिली सेकेंड्स फ्रॉम हमारी ट्रैक्स की टेबल. सो यहाँ से उनकी ट्रैक आईडी ले लेते हैं एंड उनके नेम्स भी ले लेते हैं. सो इस क्वेरी को रन करते हैं. सो एवरेज मिली सेकेंड्स हैं दिस मच, 393,599.21. ट्रैक आईडी सो एक ही आई है. अब जब भी हम ये यूज़ करते हैं तो सारे नहीं आते, सो वी हैव टू यूज़ दिस ग्रुप बाय क्लॉज, ग्रुप बाय 2 एंड 3, एग्रीगेट फंक्शंस पे ग्रुप बाय यूज़ किया जाता है ताकि हमें सारे रिजल्ट्स मिलें. सो नाउ वी हैव ऑल दोज ट्रैक आईडीज एंड ट्रैक नेम्स जिनका एवरेज मिली सेकेंड्स से एंड देयर एवरेज मिली सेकेंड्स एज वेल. सो यहाँ पे हमें, जब हमने यहाँ ज्वाइन कराए ये टेबल्स, तो हमें जो टी डॉट मिली सेकेंड्स सिर्फ वही रिजल्ट चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन दिस एवरेज मिली सेकेंड्स यहाँ से. एंड एक बार मैं इसे भी कॉपी कर लेती हूँ. सो ग्रुपिंग नहीं करवाते हैं, आई एम जस्ट डूइंग सिलेक्ट स्टार. एंड लेट मी रन दिस क्वेरी. सो यू गेट दी ट्रैक आई डीज वो सारे सॉन्ग्स की, एंड अगर आप देख रहे हैं सो यहाँ मिली सेकेंड्स में दे आर ग्रेटर देन 30, जो हमारा 35 समथिंग निकला था उस रिजल्ट से ये सारे ग्रेटर हैं, ठीक है? सो अब मुझे अगर
ऐसे जो ट्रैक्स मुझे यहाँ पे नेम्स मिल रहे हैं ऐसे ट्रैक्स के, अब मुझे वो प्लेलिस्ट के साथ चाहिए, राइट? मुझे प्लेलिस्ट में चाहिए, वो ट्रैक्स इंडिविजुअली नहीं चाहिए, मुझे प्लेलिस्ट देखनी है. सो मुझे वो प्लेलिस्ट चाहिए, यानी पी डॉट नेम. ओके, इसको हम कर देते हैं एज प्लेलिस्ट नेम. और हर प्लेलिस्ट में ऐसे कितने ट्रैक्स हैं जो एवरेज टाइम से ज़्यादा हैं. सो एक तो हमने प्लेलिस्ट नेम का ले लिया, और एक हमें काउंट चाहिए, यानी हाउ मेनी सच ट्रैक्स आर देयर. तो मैं या तो टी डॉट नेम पे ले सकती हूँ बिकॉज नेम्स विल बी डिफरेंट, या टी डॉट ट्रैक आईडी पे ले लेते हैं काउंट, बिकॉज अगेन ट्रैक ट्रैक आईडी इज़ यूनिक, सो काउंट विल बी डिस्टिंक्ट. ओके, एंड बिकॉज हमने यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी में ये काउंट वाला फंक्शन यूज़ किया है, सो इंडिविजुअल रिजल्ट्स देखने के लिए वी आर यूजिंग, या ग्रुप्ड रिजल्ट्स देखने के लिए वी आर यूजिंग दिस ग्रुप बाय. सो मैं ग्रुप बाय करा रही हूँ इस प्लेलिस्ट नेम से. सो व्हेन आई एम रनिंग दिस, सो मेरे पास प्लेलिस्ट नेम आ गए 90s म्यूजिक क्लासिकल एंड ऑल, एंड यहाँ से मेरे पास काउंट आ गया, लाइक हाउ मेनी ट्रैक्स इन 90s म्यूजिक आर सच विच आर ग्रेटर देन द एवरेज मिली सेकेंड्स वाले टाइम से एज ओवर हियर. तो या तो आप अगेन इसे मल्टी रो सब क्वेरी बना सकते हैं यूजिंग यहाँ पे वेयर में इस सब क्वेरी को रख के, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं. अब ये वाली जो हमारी टेबल बन गई, सपोज मैं इसे रिमूव कर देती हूँ ताकि हमारे पास स्पेस रहे. व्हाट आई एम डूइंग हियर, इस क्वेरी को लेते हैं. ये जो मेरे पास टेबल बनी यहाँ पे, ओके, तो मुझे यहाँ पे ग्रुप बाय करना है. सो आई हैव दिस ट्रैक्स के नेम्स यहाँ पे, आई हैव देयर मिली सेकेंड्स, टाइम इन मिली सेकेंड्स यहाँ पे, एंड आई हैव दी प्ले लिस्ट नेम ऑल्सो. सो ये मैंने टेबल बनाई, ठीक है, और ग्रुप उन्हें किया बाय. यहाँ ग्रुपिंग की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग एनी एग्रीगेट फंक्शन, सो ऑर्डर बाई रहने देते हैं. ऑर्डर बाई दिस कॉलम विच इज़ टी डॉट मिली सेकेंड्स एंड पी डॉट नेम. सो जो लोएस्ट टी डॉट टाइम है ऐसा, द लोएस्ट टाइम विच इज़ ग्रेटर देन एवरेज मिली सेकेंड्स, वो यहाँ शो रहा है 39 समथिंग. एंड थर्ड टेबल यानी प्ले लिस्ट नेम भी आपकी 90s म्यूजिक से स्टार्ट हो रही है. सो अब इस टेबल में से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, सो इसे टेबल मान सकते हैं. सो इसके आगे मैं लिख दूँ फ्रॉम, मुझे इस टेबल में से ही रिजल्ट चाहिए. ठीक है, सो इस टेबल को हम नाम दे देते हैं एज टी, या फिर सिंपली क्योंकि ट्रैक्स को हमने टी नाम दिया है तो उसको दे देते हैं सब सब क्वेरी के लिए, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या एज सब भी लिख सकते हैं. सो इस टेबल को हमने नाम दे दिया और फ्रॉम में रख दिया. अब इसी टेबल में से आई कैन सिलेक्ट व्हाट आई कैन डू, सिलेक्ट काउंट में क्या करूँ, काउंट आई कैन डू ऑन दिस ट्रैक्स जो हमने यहाँ लिया, काउंट ऑफ दिस ट्रैक्स कॉलम. हम नाम के साथ ही इसे यूज़ कर सकते हैं ट्रैक्स, एंड मुझे ये भी चाहिए विच इज़ दी प्ले लिस्ट नेम. सो इस टेबल में से मुझे प्ले लिस्ट नेम चाहिए. एंड देन अब ये बन गई हमारी को रिलेटेड सब क्वेरी, बिकॉज अब हमारी सब क्वेरी किस में आ रही है, फ्रॉम क्लॉज में. सो लेट मी रन दिस, एंड अब ग्रुपिंग करवानी है बिकॉज यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन आ गया. तो फ्रॉम के बाद ये ग्रुप बाय स्टेटमेंट, ग्रुप बाय टू बिकॉज प्ले लिस्ट नेम से हमें ग्रुपिंग करानी है. सो आई एम जस्ट सिलेक्टिंग इट ऑल एंड रनिंग दिस सिलेक्टेड सब क्वेरी. सो आप देख सकते हैं वापस वही आंसर आ गया आपका. सो आइदर यू कैन यूज़ दिस वे और दिस वे, वॉट एवर सूट्स यू, सेम रिजल्ट है.
एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कोरिलेटेड सब क्वेरी का. सो यहाँ पे आई हैव टेकन दीस थ्री टेबल्स विच इज ट्रैक्स हमारी, बिकॉज इसमें बहुत सारी प्राइमरी कीज हैं सो ये लेनी पड़ जाती है. एंड वी हैव दिस जॉनर्स, ओके, एंड ये ट्रैक्स की टेबल ओपन करते हैं. इसमें जॉनर आईडी है, यहाँ पे जॉनर्स में जॉनर आईडी एज प्राइमरी की है. एंड आई हैव टेकन दिस इनवॉइस आइटम्स वाली टेबल व्हिच इज दिस. तो यहाँ से अगर मुझे जानना है, पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं. मुझे यहाँ से क्या जानना है कि कितने ऐसे ट्रैक्स हैं जिनकी यूनिट प्राइस 0.99 है, उनका सम कितना है, उनकी जो क्वांटिटीज जो बिकी हैं उनका सम कितना है, और उनका जॉनर नेम या तो जैज़ होना चाहिए या ड्रामा होना चाहिए. सो ऐसे जैज़ या ड्रामा जॉनर्स के कितने ऐसे ट्रैक्स हैं जिनकी यूनिट प्राइस 80 है, सॉरी, जिनकी यूनिट प्राइस 0.99 है या 1.99 है, ठीक है. सो आई हैव यूज दीज टेबल्स. सबसे पहले आई हैव यूज इनवॉइस आइटम्स एज आई आई जॉइंड विद ट्रैक्स, बिकॉज यहाँ पे है इनवॉइस. एज यू कैन सी यहाँ पे ट्रैक आईडी है इसके पास, इनवॉइस आइटम्स के पास, विच इज़ द फॉरेन की यहाँ पे, एंड दिस इज इट्स प्राइमरी की. सो ये उसकी कंडीशन है. I'm just gonna copy it here. एंड उसके बाद मैंने ज्वाइन करवाया ट्रैक्स को जॉनर की टेबल के साथ, बिकॉज हमें यहाँ जॉनर नेम्स चाहिए. एंड ये उसकी कंडीशन है ऑन जी डॉट जॉनर आई डी इक्वल्स टी डॉट जॉनर आई डी, ठीक है. एंड आई नीड वॉट, पहले हम टेबल बना लेते हैं. आई नीड द यूनिट प्राइस फ्रॉम ओवर हियर, दिस कॉलम. तो यूनिट प्राइस इसको हम लिख लेते हैं एज यूनिट प्राइस ओनली. नेक्स्ट हमको चाहिए सम ऑफ दिस क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटीज हैं. सो इफ आई एम जस्ट गोना शो यू यहाँ से इनवॉइस, इनवॉइस आइटम्स की टेबल. सो यू कैन सी दैट दीज आर द क्वांटिटीज, वन ईच ऑन वन इनवॉइस आईडी, टू इनवॉइस आईडी एंड सो ऑन. ट्रैक आईडीज ये इनके दिए हुए हैं. सो सारी ट्रैक्स के कितने क्वांटिटीज एंड उन सब की यूनिट प्राइजेस यहाँ इनवॉइस में जनरेट हुई है. सो एक इनवॉइस से मोस्टली लोगों ने एक ही क्वांटिटी का इनवॉइस बनाया है, वन क्वांटिटी वन ट्रैक. सो अब मुझे यहाँ से यूनिट प्राइस सेलेक्ट करनी है, क्वांटिटीज का सम सेलेक्ट करना है, और सबके जॉनर्स चाहिए मुझे. सो इन ट्रैक्स की जो क्वांटिटीज है उसका सम चाहिए, एंड जो ट्रैक्स जो जो भी हैं, जो जिस भी जॉनर को बिलोंग कर रहे हैं, उस पे हमें ग्रुपिंग करानी है, ठीक है. यानी क्वांटिटी यहाँ से तो ट्रैक्स की क्वांटिटीज है वन वन ईच, बट हमने इस सम फंक्शन पे लगा के इसको क्या कर दिया, सारे ट्रैक्स को क्लब कर दिया रिस्पेक्टिव जॉनर्स में. सो जो भी ट्रैक्स हैं वो रिस्पेक्टिव जॉनर्स में क्लब हो जाएंगे, उनकी क्वांटिटीज यहाँ से सम हो जाएंगी, ठीक है. सो एक बार मैं कर देती हूँ ग्रुप बाय थ्री. सो एंड मुझे वन पे भी कराना है, यूनिट प्राइस पे भी ग्रुप कराना है. सो 1,3, इस क्वेरी को रन करते हैं. तो यहाँ से ग्रुपिंग हो गई, जॉनर नेम्स आ गए ये सारे, एंड उनके यहाँ से यूनिट प्राइजेस आ गए 1.99. सो हर जॉनर की एक ही यूनिट प्राइस है, यहाँ से 0.99 है, और 1.99 में आप देख रहे हैं कॉमेडी ड्रामा स्काई फाई फैंटेसी साइंस फिक्शन टीवी शोज हैं. एंड 0.99 के जो यूनिट प्राइस के ट्रैक्स हैं उनके जॉनर नेम्स ये हैं. सो नाउ अब मुझे जानना है
कि इसी टेबल में से, इसी टेबल में से मुझे जानना है फ्रॉम दिस टेबल ओवर हियर. सो क्योंकि ये फ्रॉम में यूज़ हो रही है तो अगेन आई एम गिविंग इट एन एलियस. इसे भी सब का ही एलियस दे देते हैं. एंड क्योंकि ये अब बन गई है हमारी सब क्वेरी तो थोड़ा सा इंडेंटेशन दे देते हैं. और मुझे इस टेबल में से क्या क्या चाहिए? मुझे चाहिए यूनिट प्राइस, मुझे चाहिए ये क्वांटिटी वाला कॉलम, डिराइव्ड कॉलम, और फाइनली मुझे जॉनर नेम भी चाहिए. लेकिन अब सिर्फ वेयर क्लॉज लगाना है हमको, वेयर जॉनर नेम इक्वल्स टू जैज, और या फिर इन में भी डाल सकती हूँ, वेयर जॉनर नेम इन एंड आई कैन राइट हियर जैज कॉमा ड्रामा एंड इसे क्लोज करते हैं. सो लेट मी रन दिस को रिलेटेड सब क्वेरी. एंड जैज एंड ड्रामा हमारी जॉनर नेम्स आ गई, क्वांटिटी आ गई, यूनिट प्राइस आ गई. सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ आइदर मल्टी रो सब क्वेरी, को रिलेटेड सब क्वेरी एंड जनरेट योर रिजल्ट, या तो वेयर में इसको डाल के या फ्रॉम में डाल के, एंड यू कैन जनरेट योर ओन रिजल्ट. सो दिस इज़ ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.